अभी अभी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद मीडिया के सामने आकर बताया कि CEWC की बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला लिया गया है। कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों ने एक सहमति और एक स्वर से श्री राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहने, मार्गदर्शन करने, नेतृत्व करने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आज मौजूदा सरकार जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों पर, नागरिकों के अधिकारों पर, संस्थाओं पर एक संगठित तरीके से आक्रमण और अतिक्रमण कर रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में देश को एक मजबूत विपक्ष का मार्गदर्शन देने के लिए और कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने के लिए श्री राहुल गांधी ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। श्री राहुल गांधी जी ने सब कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए ये कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक जुम्मेवार विपक्षी नेता के तौर पर लोहा लेते रहेंगे। इसके लिए वो कटिबद्ध भी हैं और कर्तव्यबद्ध भी, परंतु उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया और कांग्रेस कार्य समिति से अनुरोध किया कि कार्य समिति के सदस्यों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणों, विधायक दल के नेता गणों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद गणों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गणों, उनसे भी एक प्रोडक्ट कंसल्टेशन की जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस नेताओं और कार्य समिति का ये मानना है कि असमंजस की जो ये स्थिति बनी है इसका आज निवारण अवश्य हो जाए और इसलिए कांग्रेस कार्य समिति की अगली बैठक आज शाम को 8 बजे बुलाई गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में एक नया मोड़ सामने आ गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बाहर निकल गए हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि हम नया अध्यक्ष चुनने को लेकर CEWC में जारी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। उनका कहना है कि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर वे इस विचार विमर्श का हिस्सा नहीं है। उनका नाम इस टीम में गलती से डाल दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपने लोकसभा क्षेत्र केरल और वायनाड जाने की बात कहकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से बाहर निकल गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में नए अध्यक्ष के नाम का फैसला हो सकता है। वहीं इस बैठक से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चले जाने के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने बताया शाम 8 बजे दोबारा से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। हालांकि इसमें अध्यक्ष के नाम का फैसला होगा या नहीं इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ सुरजेवाला का कहना है कि राहुल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव कमेटी ने पास कर दिया है। हालांकि इनका कहना है कि राहुल गांधी से गुजारिश की गई थी कि वे अध्यक्ष पद के कार्यों को लगातार आगे बढ़ाते रहें। साथ ही राहुल गांधी से गुजारिश की गई थी कि वे अपना इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन राहुल गांधी ने इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद कमेटी ने उनके इस्तीफे का प्रस्ताव पास कर दिया। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मुकुल वासनिक, सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मीरा कुमार के नाम पर जोर शोर से अटकलें चल रही हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि मुकुल वासनिक का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे है। हालांकि शाम 8 बजे दोबारा से बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो सकता है।